वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हर बार की तरह इस हफ्ते भी आ गया हूं आपके लिए इस हफ्ते के लीज होने वाले ओटीटी पे लीज होने वाले कंटेंट को लेके, जिसमें इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी या होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज और मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि एंटरटेनमेंट की अपडेट ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। बाकी डेली की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करना ना भूलें। चलिए हर बार की तरह पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज के साथ, जिनको चुपचाप रिलीज कर दिया गया या फिर किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। जिसमें सबसे पहले है अभी अभी एमएक्स प्लेयर पे हिंदी डब में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी कुंग फू ज़ोरा, जो ओरिजिनल फ्रेंच मूवी है और अभी हिंदी डब करते हुए एमएक्स प्लेयर पे रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक मदर की होने वाली है जिसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर भी वो उससे डिवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि वो अपनी बेटी को खोने से डरती है। लेकिन एक दिन तब सब कुछ बदल जाता है जब वो एक कुंग फू मास्टर से मिलने वाली है। तो इसके बाद वो कुंग फू सीखते हुए हमें एक्शन और थ्रिल से भरने के लिए आ रही है, जो मूवी फुली रेकमेंडेड है। इस मूवी को इसी साल फ्रांस के थिएटर्स में फरवरी 2022 में ही रिलीज किया गया था। इसके बाद है अमेजोन की हिंदी डब बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज जैक रायन का सीजन 3, जो अभी 21 दिसंबर से अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जो एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके बारे में पूछते हुए अभी तक काफी कमेंट्स आ चुके थे। इसके बाद है एक 18 प्लस अडल्ट क्राइम हॉरर थ्रिल मूवी स्केयर पैकेज, जिसे अभी 22 दिसंबर से शटर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक बंदे की मौत से शुरू होने वाली है जिसका अभी फ्यूनरल होने वाला है, और उसी फ्यूनरल में बहुत से गेस्ट आने वाले हैं जिनको एक ब्लडी गेम में फंसा दिया जाता है और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। और अगर उनको जिंदा रहना है तो सारे गेस्ट को एक टीम के जैसे काम करते हुए इस गेम को जीतना होगा। बाकी कैसा हॉरर थ्रिल होने वाला है वही इस मूवी में दिखाया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2, जो अभी 22 दिसंबर से हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है साउथ की एक नई थ्रिलर ड्रामा मूवी कनेक्ट, जिसे अभी 22 दिसंबर से ओनली तमिल लैंग्वेज में ही एंड ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो साउथ की सुपरस्टार लेडी नयनतारा की मूवी है, जिसमें हमें उसके साथ अनुपम खेर भी मेन रोल में देखने को मिलने वाला है। जिसकी कहानी एक माँ और उसकी बेटी की होने वाली है, जो गवर्नमेंट की ओर से लगाए गए एक नेशनल कर्फ्यू में फंस जाते हैं, और तभी उसकी बेटी कुछ अजीब सा बिहेवियर करने लगती है, जिसके चलते ही उसकी माँ वीडियो कॉल के जरिए एक पास्टर से ऑनलाइन मदद मांगने वाली है, जो उसकी बेटी का ऑनलाइन ही एक्सोर्सिज्म करने का सजेस्ट करता है। बाकी इस मूवी में क्या होने वाला है और कहानी का एंड क्या होगा, वही हॉरर एंड थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद है साउथ की एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी जया 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 है, जिसे अभी 22 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी जया नाम की एक मैरिड लेडी की होने वाली है, जो अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे फोर्स करता है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने के लिए। लेकिन जया दोनों के बीच का रास्ता ढूंढ लेती है जिससे वो दोनों के सपने पूरे कर पाए, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होने वाला है वही हमें इस मूवी में कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हॉलीवुड की हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज नाइव्स आउट का पार्ट 2 ग्लास ऑनियन, जिसे अभी 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी इस सीरीज के पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद है हॉलीवुड की एक कॉमेडी हॉरर थ्रिलर मूवी अनह्यूमन, जिसे अभी 23 दिसंबर से बुक माई शो पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। जिसकी कहानी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की होने वाली है जो एक हॉलीडे ट्रिप पे निकले हैं, लेकिन उनकी बस क्रैश हो जाती है, जिसके बाद एक स्टॉकर उन पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान ही उन सब के रिलेशनशिप्स टेस्ट होने वाले हैं, और बाकी कैसे वो उस स्टॉकर से बच पाते हैं या नहीं वही इस मूवी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमें एक बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है सोनी लिव की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन, जिसका सीजन 2 भी अभी जल्दी ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 23 दिसंबर की रखी गई है, जो इसी सीरीज काठमांडू कनेक्शन के सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली है। इसके बाद है एक डच सस्पेंस ड्रामा सीरीज ओवरवाटर, जिसे अभी 23 दिसंबर से अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है जिसका पास्ट काफी ट्रबल्स भरा रहा था, लेकिन वो अभी अपनी फैमिली के लिए सेकंड चांस लेने वाला है, बट वो भी उस पे उल्टे पड़ने वाले हैं, जो बीच रास्ते ही खतरनाक प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। बाकी उसके साथ क्या होने वाला है वो अभी इस सीरीज में हिंदी डब में देख पाएंगे। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही अमेजोन वीडियोस पे ऑन डिमांड रिलीज हुई अक्षय कुमार की बॉलीवुड एडवेंचर थ्रिलर मूवी राम सेतु, जिसे अभी 23 दिसंबर से अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। मेरा मतलब है जिसके पास भी अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द फेबुलस, जिसे अभी 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी चार बेस्ट फ्रेंड्स की होने वाली है जो अपने ड्रीम्स को चेस करते हुए अपनी अपनी जॉब्स करनी शुरू करते हैं, लेकिन उनके बीच उनका रोमांटिक रिलेशनशिप और उनकी वाइल्ड नाइट्स बीच में आने वाली है। बाकी उनके साथ क्या क्या होने वाला है वो हमें रोमांस और कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा, जो एक 16 प्लस वेब सीरीज है, मतलब कि इसमें आहा तो होगा लेकिन ज्यादा नहीं। इसके बाद है बॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक रोमांटिक सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा मूवी तारा वर्सेस बिलाल, जिसे अभी 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है डिज्नी की एक नई एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी स्ट्रेंज वर्ल्ड, जिसे भी अभी 23 दिसंबर से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक एक्सप्लोरर्स फैमिली की होने वाली है जो हमेशा ही कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए एडवेंचर्स भरी जर्नी पे जाते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके आपसी रिश्ते उनके मिशन के बीच आने वाले हैं, क्योंकि ये मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक मिशन बनने वाला है। बाकी उनके साथ क्या होने वाला है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है बॉलीवुड के एक्शन कॉमेडी डायरेक्टर रोहित शेट्टी की रणवीर सिंह के साथ एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी सर्कस, जो एक मल्टी स्टारर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें गोलमाल मूवी के जैसे ही बहुत से कॉमेडी कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी कहानी भी कंफ्यूजन से भरी हुई होने वाली है, जिसे अभी 23 दिसंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी दो जुड़वा बच्चों की होने वाली है जो जन्म लेते ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और कई सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जब एक ही शहर में दोनों एक दूसरे से मिले बिना ही रहते हैं, तो एक दूसरे की पहचान को लेकर कंफ्यूजन तो बहुत सा होने वाला है, जो हमें पागल करने वाली कॉमेडी दिखाने वाला है, बिल्कुल रोहित शेट्टी की ही गोलमाल मूवी के जैसे ही, जिसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है और ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स पे फरवरी मंथ 2023 में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है हॉयचोय की एक सुपरहिट ओरिजिनल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एकन बाबू एबर, जिसे अभी 23 दिसंबर से हॉयचोय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी तो अभी पता नहीं, लेकिन जल्दी ही ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब होते हुए अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी हॉयचोय की सभी बंगाली वेब सीरीज अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हो रही है। इसके बाद है द वायरल फीवर मींस के टीवीएफ की एक हिट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पिक्चर्स का न्यू सीजन, जिसका सीजन 2 अभी Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 23 दिसंबर से देखने को मिलने वाला है, जिसकी कहानी सीजन 1 में एक चार यंग फ्रेंड्स की शुरू हुई थी जो अपनी जॉब्स को क्विट करते हुए अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्टअप बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं होता, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जो हमें कॉमेडी के साथ सीजन 1 में भी दिखाया गया था, और अभी उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए उनका सीजन 2 भी आने वाला है, जिसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम्स बड़ी हंसी के साथ दिखाने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई मैक्सिकन गेम शो रियलिटी टीवी शो सीरीज पिनाटा मास्टर्स, जिसे अभी 23 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें 7 टीम को दिखाया जाएगा जो इसी पिनाटा नाम की गेम को खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी सब की तरह ही मुझे भी इस गेम के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, और हमें भी एक नई गेम के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद है साउथ की एक नई सस्पेंस ड्रामा मलयालम मूवी द टीचर, जिसे अभी 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी अमाला नाम की एक टीचर की होने वाली है, जिसकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है जब उसके एक स्कैंडल वाला वीडियो वायरल हो जाता है जो उसे सभी की नजरों में गिरा देता है, लेकिन वो सिचुएशन से हार नहीं मानने वाली, लेकिन कैसे वो इससे निपटती है और कैसे इस पंगे से बाहर आती है वही इस मूवी में सस्पेंस ड्रामा थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा, जो अभी तो हमें ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।